हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सानविका के स्कूल से घर तक के सफर में क्या हुआ। जस्ट स्कूल के बगल में ये सैंडविच वाले भैया थे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, मुंबई की बारिश पता ही है। तो हमारा मन किया कि हम टोस्ट सैंडविच खाएं, और देखो सानविका को भी पसंद था, तो मैंने भैया को बोला एक वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच बनाइए। तो अभी ये अनियन कट की है, और ये देखिए ये टोस्ट सैंडविच रेडी हो गया है। अब ये पैक कर रहे हैं भैया जी, इसमें थोड़ी सी चटनी लगा रहे हैं, बटर लगा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना बारिश के मौसम में इस तरह का सैंडविच खाना, वो भी टोस्ट सैंडविच गर्मा गर्म। लेकिन हम नहीं खा पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली बारिश थोड़ी सी बढ़ गई रिमझिम, और हमको जो है पार्सल लेना पड़ा, हम नहीं खाया। तो हमने क्या किया, भैया पार्सल दे रहे हैं, अब हम ये पैकिंग करके निकल गए। ठीक है, अब निकलने के बाद में हम थोड़े से रास्ते जाने के बाद थोड़ी दूर पर ये डी मार्ट रेडी आ गया, जस्ट हमारे बिल्डिंग के नीचे ही है। फिर हम डी मार्ट रेडी आ गए। सानविका यहाँ पे कुछ दिखा रही है, ये देखिए आई हुई है, इसलिए से कुछ उसको टिफिन पसंद आ रहा है। मैंने उसे कुछ पूछा कि मैं जो पूछ रही हूँ वो आपको दिखाना है, तो हम जस्ट थोड़ा सा गेम खेल रहे थे। मैंने उसे पूछा टिफिन कहाँ पे है, टिफिन का सेक्शन कहाँ पे है, ये रहा टिफिन का सेक्शन, उसने दिखाई बॉटल का सेक्शन दिखाया। फिर हम थोड़ा सा गेम खेल रहे थे, बारिश की वजह से उसने अपने रेनकोट पहने ही हैं, और फिर हम अंदर ऐसे ही थोड़ा सा राउंड लगाए। हमें कुछ लेना भी था डी मार्ट में, जैसे कि दूध लेना था, बट हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि बाहर बारिश थी। अब मुझे सानविका दिखाएगी, उसके जस्ट फ्रंट में है बेड शीट एंड हैंकी का सेक्शन। मैंने उसे पूछा टॉवल सेक्शन कहाँ है और क्या है, तो ये मुझे दिखा रही है कि ये टॉवल है, ये बेड है, और ये यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट हैंकीज हैं। अब ये यहाँ से दिखाते दिखाते आएगी, थोड़ा सा हम यहाँ पे पता है क्यों जानबूझ के टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ी बाहर बारिश भी है, लेना तो हमें सिर्फ दूध ही है, बट हम सोचे चलो थोड़ा सा एक वीडियो भी बनाते हैं, इसका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अब ये मुझे दिखा रही है कप, मैंने उसे कहा कि बिग कप कहाँ पे है, तो उसने दिखाया कि बिग कप यहाँ पर है। और अब हम जस्ट उसके साइड वाले रैक में जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, स्लीपर्स हैं। तो मैंने उसे पूछा कि ये रेनी सीजन के फुटवेयर्स कहाँ पे हैं, तो वो भी देख रही है, ढूंढ रही है, उसको नहीं समझ में आया। फाइनली अब वो मुझे, मैंने उसे पूछा कि यहाँ पे बॉल कहाँ पे हैं, कौन से कलर के पसंद आए, तो फिर उसने दिखाया, अभी देखो वो इसमें से कोई बॉल दिखाएगी जिसको कलर पसंद आया, तो उसको भी फाइनली इसमें से ग्रीन कलर का बॉल पसंद आया है, तो ये ग्रीन कलर का बॉल दिखा रही, कह रही मेरे एक फ्रेंड के पास भी ऐसा ही ग्रीन कलर का बॉल है। और अभी देखिए हम आ गए थोड़ा सा, अब यहाँ वो दिखाई, मैंने उसे कुकर पूछा तो वो कुकर एक्चुअली नहीं समझ पाई, क्योंकि जनरली मैं अपने घर में कुकर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो समझ ही नहीं पाई। वो मुझे पैन दिखा रही है तो मैंने उसे कहा कि ये है ना कुकर, ये है, तो उसने कहा अच्छा हाँ ये कुकर है, राइट राइट। उसका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ जब उसने पिक्चर देखा प्रॉपर। और अब वो थोड़ा सा और आगे जाएगी तो मुझे वो ये स्टील वाले बॉटल्स दिखाएगी, ये स्टेनलेस कोटेड बॉटल्स जो हैं ये दिखा रही। इसको बॉटल का पता नहीं क्यों बहुत शौक है, मल्टी कलर बॉटल, वो हमेशा हर दो महीने में बॉटल चेंज करना चाहती है। मैं नहीं करती हूँ एवरी दो तीन महीने में, मैं करती हूँ चार महीने, पाँच महीने या कभी छः महीने। उसको ये बॉटल पसंद आई है, बच्चा है तो कार्टून प्रिंट तो पसंद आएगा ही आएगा, नो डाउट। और ये जो उसने रेन शीटर पहनी ना पिंक कलर की, ये उसने जील कंपनी की पसंद की थी, क्योंकि इसमें प्रिंसेस है, यू नो गर्ल्स है तो प्रिंसेस तो पसंद आएगा ही प्रिंसेस वाला। अब ये मोबाइल के कवर दिखा रही है कि मम्मा हम बारिश टाइम पे लेना चाहिए। अब ये रहा, उसने दूध लिया, अब ये दूध वो उठा नहीं पा रही है, कह रही है कि मम्मा ये थोड़ा वेट भी है इसका और ये बहुत ठंडा भी लग रहा है, जल्दी से आप ले लो। मैंने कहा बिलिंग काउंटर पे रखो और थोड़ा सा सीखो कि हम कोई सामान कैसे लेते हैं। आप भी यहाँ तो उठा रही, बट उसे जम नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा चिल्ड है। अब वो ऊपर रखेगी सामने बिलिंग काउंटर के ले जा करके, अब ये यहाँ पे रख दिया इसकी, और मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ बिलिंग। ये कुछ साइड में स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो दिखा रही थी मुझे कुछ लेने के लिए, बट मैंने लिया नहीं। और अब मैं ये देखो ये बिल पे कर रही हूँ, हमने लिया है ब्राउन ब्रेड एंड काउ मिल्क। तो अब ये गेट पे आ गई, मैंने कहा मुझे प्लीज़ हेल्प करो अम्ब्रेला में, तो अब वो यहाँ से एक ऑरेंज कलर का बाहर बास्केट में अम्ब्रेला रखा हुआ है, ये यहाँ से उठाएगी, बट इससे ये अम्ब्रेला ओपन नहीं हो, मैंने कहा ओपन करके दिखाओ, तो वो प्रेस कर रही थी बट उससे ओपन नहीं हो पा रहा है ये ओपन नहीं कर पा रही है। फिर मुझे बोलते मम्मा सॉरी आई कांट ओपन इट, फिर मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझे दे दो मैं ओपन कर लेती हूँ। मैं ओपन कर रही हूँ और देखिए अभी भी रिमझिम बारिश हो ही रही है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम रिमझिम बारिश में
आ गए, अब ऊपर घर आ गए। तो हमने सैंडविच फटाफट ओपन किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग सा लग रहा था वहाँ देखने के बाद, और अभी भी गर्म ही, ये ज्यादा ठंडा ना हो जाए। हमने जल्दी से ओपन करके ये वन पीस मैंने उठाया और ये सानविका ने वीडियो शूट किया। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। बारिश में तो दो सैंडविच खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। एंड एट द एंड वीडियो एंड और